ये तो देखो दीपू। कितनी उम्र है बेटा आपकी? है बेटा 16 साल। अच्छा, आपको यहाँ कौन लाया? कितने समय से यहाँ काम कर रहे हो बेटा? यहाँ तो अभी 3 महीने। 3 महीने से काम कर रहे हो? क्या मजदूरी मिलती है आपको? 5.5। कितने बेटा? 5.5। बताओ बेटा। 5.5। 550 रुपया? 550 रुपया मजदूरी मिलती है। क्या नाम है? मुस्कान। यहाँ पर क्या काम करते हो आप? बट्टा का। कितने घंटे काम करते हो बेटा यहाँ पे? मुझे नहीं मालूम। और आपको पैसे कितने मिलते हैं? तो ये भुगतेंगे सर, आपके पास एग्रीमेंट है, आपके आपका कोई लेना देना है नहीं। बहुत देरी किया हुआ। भुगतेंगे ये, इनको नहीं करना चाहिए बाल श्रम। बच्चों की पढ़ने की उम्र है भाई साहब, आप क्या समझ रहे हो? बच्चों की पढ़ने करनी है, नहीं तो मैं आपको खबर चलाऊंगा, वो होती है परेशान वाली बात। आप आइए राजू भाई, भैया तारा मैं था लोकल, कोई बाहर लाता होगा नक्की हो जाए बाहर, तो बाल चम बाड़ जाए तो मत करो करो काम करो बेटा। तो बाल श्रम की क्या स्थिति है? बाल श्रम के बारे में हमने पहले भी निर्देश दिए थे, कल भी हमने परसों के निर्देश दिए हैं। मानव संसाधन यूनिट अभी वहाँ पे पोस्ट तो प्रभारी तो खाली है, बाबू राम जी लगे हुए हेड कॉन्स्टेबल है, उनको निर्देश किया जहाँ कहीं भी ऐसे बच्चे पाए जाए बाल श्रम तो उनको तुरंत कार्रवाई करके और उनको वहाँ से पकड़ के लाया जाए, और जो भी मालिक है जो बाल श्रम करवा रहा है उनके विरुद्ध में सख्त कार्रवाई करवाई जा रही है। कितनी उम्र है आपकी बेटा? कितनी उम्र है आपकी? सुनो तो सही, आपको यहाँ काम पे कौन लाया? मांडवला और बालवाड़ा ग्राम में अवैध ईंट भट्टों के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है। अभी जानकारी में आया है तो नियमानुसार राज्य सरकार में जो भी है हमारा स्टाफ उससे हम कार्यवाही करवा के करवा दूंगा। ये ऐसे मामले में अभी तक हमारे पास में कोई शिकायत नहीं आई है, और अभी जैसे आपने बताया है तो उसके बारे में आज निर्देश इनको दे देंगे, और जो भी यदि ईंट भट्टे पे काम कर रहे हैं बालक तो उनके विरुद्ध में तुरंत उनके मालिक के विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी और उनको छुड़ाया जाएगा वहाँ से। रेस्क्यू करके आज दिन तक कितनी कार्रवाई उसको हम इसके लिए कर चुके हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
कुछ आंकड़े आपके पास आए कि अब तक मतलब पिछले साल में अब तक कितने बार श्रमिकों पे कुछ कार्रवाई करी? आंकड़े तो हैं अभी मेरे को ऑफ हैंड याद नहीं, बट स्क्रीनिंग चेकिंग चलती रहती है, बट एग्जॉस्टिव प्रोसेस नहीं, और जितना हमें जितना से मदद मिलेगी उतना अच्छा हम लोग काम कर पाएंगे। ठीक, थैंक यू। उनका होटलों पर, ढाबों पर और ईंटों के पट्टों पर पुलिस भी क्या कर रहे हैं जी? इसके लिए हमने अभी विशेष हमारी यूनिट है AHTU, वो काम करती है। और जिस तरह अगर आपके पास भी कोई सूचना मिलती है या समाज दर्जे पर सूचना मिले तो आप तुरंत इन्फॉर्म करें, हम कार्रवाई करेंगे। उसको बाल श्रम एक अपराध है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।